23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नाहन के चौगान मैदान में आयोजित हो रहे सिरमौर लोक उत्सव के मद्देनजर नाहन में प्रथम चरण में ऑडिशन आयोजित किए गए, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। डायनामिक युवा मंडल द्वारा आयोजित किए जा रहे सिरमौर लोक उत्सव के पहले ऑडिशन में युवाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भी ऑडिशन दिए। ऑडिशन को लेकर प्रतिभागी बेहद खुश नजर आए। प्रतिभागियों ने सिरमौर उत्सव के आयोजन को लेकर खुशी जताई। मेरा नाम आहनाती है, मैं यहाँ ऑडिशन देने आई थी। उम्मीद है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी और स्टेज पे परफॉर्म करूंगी। मैं सिमरन, मैं यहाँ पे डांस का ऑडिशन देने आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सिरमौर उत्सव में सिलेक्ट हो जाऊंगी। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर इतना सिरमौर उत्सव हो रहा है, उसके लिए क्या नाम अच्छी बात है और लोगों को भी इसमें आना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। आयोजकों का कहना है कि सिरमौर उत्सव को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। मंडल के अध्यक्ष सतीश राणा ने बताया कि ऑडिशन में पहुंचे प्रतिभागी बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिशन के बाद जो प्रतिभागी चयनित होंगे वही सिरमौर लोक उत्सव के दौरान अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्टोरेंट नान में सभी के ऑडिशन करवाए, इसमें बहुत से सिरमौर डांसर, सिरमौर और विभिन्न जिला सिरमौर के सभी प्रतिभागी ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लिया है और छोटे छोटे बच्चों में काफी टैलेंटेड है और हम चाह रहे हैं इनको काफी अच्छा स्टेज मिले यहाँ पे। और छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी देख के बड़ा उत्साहित हो रहा हूँ मैं भी कि यहाँ पे मतलब जो सिलेक्शन होगी और सिरमौर लोक उत्सव में हम उनको ही फाइनल में वहाँ पे एंट्री देंगे। इस कार्यक्रम रहने वाले ऑडिशन को देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा वो लग रहा है हमारे को कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।